हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और फोर्ब्स के 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से आज इंडिया तीसरी ऐसी कंट्री है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं, पूरे 237 बिलियनर्स। वहीं पर इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल तक नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके पास बिलियनर्स नहीं है, उनके पास 10 बिलियनर्स और 21 बिलियनर्स है। पर इंडिया के रईस और पाकिस्तान के रईसों में जमीन आसमान का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अमीर लोग इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर वगैरह में अपने पैसे खर्चते हैं, और वहीं पर पाकिस्तान के अमीर जैसे कि पीएम इमरान खान के एसेट्स में 4 बकरियां शामिल है जिनकी कीमत लगभग 1,12,00,000 रुपए है। और तो और, इनके सिक्योरिटी में भी स्वर्ग और पाताल का अंतर है। आई मीन, जहां इंडिया में बिलियनर्स मिलियनर्स को सरकार सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वहीं पर हमारे आत्मनिर्भर पाकिस्तानी भाई लोग अपने सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद करते हैं और आसिफ अली जरदारी की तरह 120 करोड़ की बंदूकें खरीद रखते हैं। पर दोनों भी देशों के अमीरों में इतना फर्क क्यों है? लेकिन सबसे अजीब चीज तो यह है कि पाकिस्तान के ज्यादातर अमीर लोग पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। और ऐसा क्यों है, और क्या इसका और पाकिस्तान में होने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस का कुछ संबंध है? वेल फ्रेंड्स, लेट्स फाइंड आउट। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं दोनों भी देशों के सबसे अमीर आदमियों के कंपैरिजन करके। अब एज वी नो, इंडिया के सबसे अमीर आदमी है सबसे न्यारे हमारे तुम्हारे मोटा भाई अंबानी भाई, जिनकी आज के तारीख में नेटवर्थ है पूरे 100.7 बिलियन डॉलर्स, यानी कि 7,00,000 करोड़ रुपए, जो उन्हें इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे अमीर इंसान बना देता है। वहीं पर दूसरी तरफ है पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी फ्लेक्स एंड गेट कंपनी के कर्ता धर्ता शाहिद खान, जिनकी नेटवर्थ 66,000 करोड़ है। अब जहां पर अंबानी दुनिया के 10th सबसे रिचेस्ट आदमी है, वहीं पर शाहिद खान आराम से बैठे हैं 308th नंबर की कुर्सी पर। और इससे ये बात तो जाहिर है, अंबानी बड़ी आसानी से शाहिद खान से पैसों के मामले में तो जीत जाएंगे, लेकिन क्या शाहिद खान की लाइफस्टाइल अंबानी की लाइफस्टाइल को टक्कर दे सकती है? चलिए जानते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौन कितना पैसा कहां उड़ाता है। यहां पहले तो हम बात करेंगे गाड़ियों की। अब जैसे कि हर अमीर इंसान को बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने का बड़ा शौक होता है, वैसे ही हमारे शाहिद मियां को भी है, जिन्होंने अपने शौक के चलते अपने कलेक्शन में संभाल रखी है 1 करोड़ की एस्टन मार्टिन, 11 करोड़ की पगानी हुएरा और 33 करोड़ की लैम्बोर्गिनी वेनिनो। लेकिन रुको जरा, ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। इसमें 2011 की लेयरजेट और 2013 की बॉम्बार्डियर भी शामिल है। पर ध्यान रहे, उन्होंने अब तक अपना पूरा कलेक्शन पब्लिक के सामने नहीं रखा। लेकिन हमारे मोटा भाई को कम बिल्कुल भी मत समझना। जहां लोगों के पास 6 गाड़ियां नहीं होती है, वहीं पर मोटा भाई के पास गाड़ियां रखने के लिए 6 फ्लोर्स हैं। जी हाँ, सही सुना, 6 फ्लोर्स, जिसमें 168 बड़ी से बड़ी महंगी गाड़ियां पार्क की हुई है। इस कलेक्शन के कुछ स्पेशल मेंशंस हैं, उनकी रोल्स रॉयस कुलिनन, बेंटली बेंटायगा और सबसे वैल्यूएबल जर्मन कस्टमाइज्ड आर्मर्ड BMW 760i। इसकी कीमत ही केवल 10.5 करोड़ रुपीज है। अब यहाँ आई थिंक साफ साफ दिख रहा होगा किस राउंड के विजेता कौन है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले राउंड पे, जो है उनके यॉट्स। अब अमीर इंसान के लिए ना गाड़ियां कुछ भी नहीं होती है, अल्टीमेट लग्जरी कहीं पे मिलती है तो वो है यॉट्स में। शाहिद खान के पास है एक 312 फीट लंबा एक सुपर यॉट जिसका नाम है किस्मत, जिसके अंदर जो आप बोलो वो चीजें शामिल है। स्विमिंग पूल चेक, जिम चेक, बारबेक्यू एरिया चेक, मूवी थिएटर चेक, हेलीपैड वो भी चेक, और ये सब आपको मिलेगा 1,500 करोड़ रुपीज में। वहीं पर अगर हम अंबानी भैया के यॉट की बात करें तो ये भी फुल हाईटेक है। इस 58 मीटर्स लंबे यॉट पे सोलर ग्लास रूफ है, 3 अलग अलग डेक्स है जो पियानो बार, लाउंज और डाइनिंग एरिया और रीडिंग रूम जैसी कई फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। और वैसे तो इस यॉट की प्राइस कभी रिवील नहीं की गई है, लेकिन हमारे खुफिया सूत्रों के हिसाब से इसकी कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए है। यानी इस राउंड में किस्मत ने शाहिद भाई का अच्छा खासा साथ दिया। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप इस चैनल पर क्यों हो, क्योंकि आप एक क्यूरियस इंसान हो जो अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हो रियलिटी के साथ, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है कि अपने आप को हम अपडेटेड रखें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट, इवन स्टार्टअप्स, बिजनेस न्यूज अराउंड द वर्ल्ड। यही सोच रहे हो ना कि अपडेटेड कैसे रखा जा सके,
Well, मैं एक वन स्टॉप सोल्यूशन बताऊंगा जो बहुत ही लाइट, सिंपल और रियल टाइम न्यूज के द्वारा आपको अपडेटेड रखेगा, जिसका नाम है कन्वे। Yes, it's the one by Prasad, founder of Convey. इस फ्री ऐप में मुझे हर इंपॉर्टेंट और रियल टाइम न्यूज अपडेट मिलती है स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, बिजनेसेस के बारे में, इन 5 सिंपल बुलेट पॉइंट्स व्हिच यू कैन रीड इन 11 सेकंड्स, एंड इट्स सिंपल एंड अट्रैक्टिव इंटरफेस मेक्स यू गो ऑन रीडिंग। सो सिर्फ एक ऐप की मैंने बात की है, डाउनलोड दिस अमेजिंग ऐप एंड गेट अपडेट्स ऑन योर फिंगर टिप्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बस इतना ही नहीं, कन्वे के पास एक बेहतरीन स्पेशल दिवाली ऑफर भी है, जहां पर आपको ₹500 वर्थ के कन्वे के कूपन्स मिलेंगे जस्ट बाय ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम 30th अक्टूबर टू 6th ऑफ नवंबर। ऑफर का अमाउंट डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में बाय कन्वे। सो हरी, ऑफर सिर्फ 6 नवंबर तक है, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब फाइनली हम बात करते हैं दोनों के घरों की। शाहिद खान और उनका परिवार इलिनॉय के एक बहुत ही आलिशान घर में रहते हैं, जिसकी कीमत अब तक तो पब्लिक के सामने नहीं आई है, लेकिन उस एक घर के अलावा शिकागो के सबसे बड़ी बिल्डिंगों में से पार्क टावर में उन्होंने एक 60 करोड़ का पेंटहाउस खरीद रखा है। साथ ही उनके पास फ्लोरिडा में एक बड़ा सा पेंटहाउस है जिसकी कीमत करीबन 86 करोड़ है और वो पूरे 360 डिग्री का व्यू देता है। वहीं सिर्फ इंडियंस को क्या, पूरी दुनिया को अंबानी का घर, उनके 27 माले की बिल्डिंग पता है, जिसके अंदर 3 हेलीपैड्स, एक बॉलरूम, 9 हाई स्पीड लिफ्ट्स, 50 सीट का मूवी थिएटर, टेरेस गार्डन, स्विमिंग पूल, स्पा, मंदिर और स्नो रूम, सब कुछ है। और इसकी कीमत लगभग 6000 करोड़ से लेकर 12000 करोड़ रुपए के बीच है। अब यहाँ पे तो ये ऑब्वियस है कि कौन कितना पानी में है और कौन मस्त में तैर रहा है। पर बात तो ये है कि शाहिद खान को पाकिस्तान अपना सबसे अमीर इंसान तो कंसिडर करता है, लेकिन वो रहते हैं अमेरिका में, इसीलिए अभी हम कंपेयर करेंगे उन अमीरों को जो असल में पाकिस्तान में ही रहते हैं। अब हम ये तो जानते हैं कि अमीरों को गाड़ियां किस कदर पसंद होती है, फिर चाहे वो अंबानी हो, रतन टाटा, अडानी या बिरला, लेकिन पाकिस्तान के अमीरों के शौक थोड़े अलग हैं। एग्जाम्पल के लिए पीएम इमरान खान को ही ले लो, उनके पास एक भी कार नहीं है, लेकिन उनके पास 112,000 की बकरियां जरूर है। पर ये अकेले से पाकिस्तानी रईस नहीं है, पूर्व प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के पास भी अमानत के तौर पर करीबन 1 करोड़ की भेड़ बकरियां, गाय और घोड़े हैं। और एक अटपटा शौक जो ये पालते हैं ना, वो है फर्नीचर कलेक्ट करने का। अरे सच्ची में डॉक्टर जफर मिर्जा, जो पीएम को नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस और कोऑर्डिनेशन पे एडवाइस करते हैं, उन्होंने 20 लाख रुपए का फर्नीचर बना रखा है। और पीएम के स्पेशल असिस्टेंट अली नवाज अवान के घर में पूरे 4,41,600 रुपए का फर्नीचर है। वेल, इनके शौक कुछ भी हो, लेकिन उनके मिलियनेयर्स इंडिया के मिलियनेयर्स के आसपास भी नहीं आते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों भी देशों के टॉप 5 रिचेस्ट आदमियों को कंपेयर करें ना, तो उसमें जमीन आसमान का क्लियर फर्क आपको दिखाई देगा। पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। जिस तरह हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग होते हैं, उसी तरह पाकिस्तान के मिलियनेयर्स का काउंट दुनिया के सामने अलग और असलियत में अलग है। नहीं समझे, कोई ना, ये देखो, 3rd अक्टूबर 2021 में इंटरनेशनल कॉन्सोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने टोटल 11.9 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को लीक किया, जिन्हें नाम दिया गया पैंडोरा पेपर्स। इन पेपर्स ने कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, वर्ल्ड लीडर्स के फॉरेन आइलैंड्स और बैंक्स में छुपाए हुए ब्लैक मनी का कच्चा छिट्टा खोला। और इन्हीं पेपर्स के अनुसार पाकिस्तान के 700 लोगों ने अलग अलग देशों में छुप छुप के प्रॉपर्टीज खरीद रखी है। याने इन शॉर्ट, पाकिस्तान में करीब 700 जितने मिलियनेयर्स हैं, जो सुन के मन में ये सवाल आता है कि अगर इन लोग मिलियनेयर्स हैं तो इसमें छुपाने जैसी क्या बात है भाई। वेल, उन लोग अपनी सच्चाई छुपाते हैं ताकि उन्हें पाकिस्तान सरकार को टैक्स ना भरना पड़े, या इवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्हें परेशान न करे पैसों के लिए। और इसी से बचने के लिए वो लोग अलग अलग स्कैम्स करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के कई अमीर लोग ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स पे अपनी फ्रंट कंपनियां खोलते हैं, जो वही काम करती है जैसे उनका नाम है, यानी सिर्फ नाम की कंपनीज होती है, लेकिन उनका काम होता है इन अमीरों के ब्लैक पैसों को व्हाइट करना। या फिर ये रईस ज़ादे अपने एसेट्स को इस कंपनी के नाम पे करके फिर टैक्स देने से मुक्त हो जाते हैं। और इनके दूसरे पैतरे का नाम है गिफ्ट स्कीम। अब जैसा हमने कुछ टाइम पहले देखा, कई सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और मिलियनेयर्स ने अपने एसेट्स बताते वक्त ये कहा है कि ये जमीन तो हमें रियासत में मिली है, या फिर ये गाड़ी तो हमें किसी अनजान आदमी ने गिफ्ट कर दी है, हमारी नहीं है भाई, हमारी थोड़ी ना औकात। क्योंकि जब ये अपनी गाड़ी या प्रॉपर्टी को गिफ्ट करके रजिस्टर करवाते हैं, तब वो उन चीजों पर टैक्स देने से बच जाते हैं। लेकिन इसके अलावा पैंडोरा पेपर्स रिलीज करने वाले ग्रुप ने जब 2016 में एक और एक सेट ऑफ पेपर्स, पैनामा पेपर्स रिलीज किया था, तब उस वक्त के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ
ने की हुई चोरियों के सारे राज देश के सामने खुल गए। लेकिन अपने एसेट्स को इस तरह छुपाना पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62I के तहत गैर कानूनी है, जिसके तहत इसी साल नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया और उसकी सारी चीजों की नीलामी करने का आदेश दे दिया गया। पर इससे पाकिस्तान को किस कदर प्रॉब्लम आ सकती है? सबसे पहली प्रॉब्लम तो यह है कि शायद पाकिस्तान में फिर एक बार इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए। 2020 में पैंडेमिक के कारण हर देश में आर्थिक तनाव था, लेकिन पाकिस्तान में इस आर्थिक तनाव की कोई सीमा ही नहीं रही थी। पिछले 12 सालों में उनका इन्फ्लेशन रेट 11% तक बढ़ चुका था। एक किलो आटे की कीमत 60 रुपए से ज्यादा हो गई थी और वहाँ के लोगों की आधी कमाई अपने परिवार को दो वक्त की रोटी देने में ही खर्च हो रही थी। 14,000 रुपए तनख्वाह मिलता है और 4-5 बंदे हम खाने वाले हैं, उसको हम क्या करें। उसमें भी पाकिस्तान के सर पर जो इंटरनेशनल कर्जा था वो बढ़ के पूरे 44.5 trillion rupees जितना हो चुका है, जिसकी किश्तें चुकाने के लिए पीएम हाउस में रखे हुए 3 भैंस और 5 गाय के बछड़ों को पूरे 23 lakh rupees में नीलाम किया गया था। और उससे भी जब काम न बना तब उन्होंने पीएम इमरान खान के घर को ही रेंट पर लगा दिया। अब यार तुम लोग ही देखो, ये सब कुछ करेगी पाकिस्तानी सरकार लेकिन वहां के अमीरों को टैक्स भरने नहीं कहेगी। दरअसल बात ये ना भाई लोग, पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग टैक्स भरते हैं और जो भरते भी है वो भी कुछ ऐसे होते हैं, मतलब 3.2 बिलियन की प्रॉपर्टी होने के बावजूद सिर्फ 3,000 रुपए टैक्स। बट अब तुम लोग बोलोगे यार पाकिस्तानी सरकार क्यों नहीं लेती अपने देश के एलीट क्लास से टैक्स। वेल, वो इसीलिए क्योंकि इस एलीट क्लास में खुद सरकार भी शामिल है, मेरा मतलब है सरकार चलाने वाले लोग। यानी 2020 में हुए वीट और शुगर क्राइसिस पे जब पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NBA ने इस साल छानबीन की, तब उन्होंने देखा कि ये सारे शॉर्टेजेस आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए थे ताकि प्राइसेस को बढ़ा सके। उसके कारण शुगर मिल के ओनर्स को पूरे 3,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और इन प्रॉफिट मेकर्स में कई बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे कि इमरान खान के खुद के पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन। दूसरे थे उसी पार्टी के लीडर खुसरो बख्तियार, जो फिलहाल पाकिस्तान के इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के फेडरल मिनिस्टर हैं। सो ये सबूत क्या दर्शा रहे हैं भाई, दुनिया को दिखाने के लिए बेचा क्या जा रहा है और पैसे आ कहां से रहे हैं। लेकिन चीजें अगर सुधरी नहीं ना तो वो ले आएंगे हमें दूसरे प्रॉब्लम्स पे, जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब पैनामा पेपर्स लीक हुए थे तब इमरान खान ने नवाज शरीफ और उनकी सरकार के खिलाफ काफी आवाजें उठाई थी, उनके घर के बाहर बैठ के नवाज शरीफ को रेजिग्नेशन देने के लिए मजबूर किया था। और जब इमरान खान इलेक्शंस जीते थे तब उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि जो भी कानून तोड़ेगा हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे और अकाउंटेबिलिटी मुझसे शुरू होगी और फिर मेरे मंत्रियों से और फिर यहां से वो आगे कंटिन्यू होगी। लेकिन पैंडोरा पेपर्स जब लीक हुए थे तब उसने इमरान खान के सारे मंत्रियों का पर्दाफाश कर दिया। उनके आधे मंत्रियों ने तो यूके, यूएस और दुबई जैसे देशों के ग्रीन कार्ड्स ले रखे हैं और कईयों ने तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में फ्रंट कंपनीज खोल रखी है जिसके थ्रू वो करोड़ों का ब्लैक मनी छुपा रहे हैं। अब ऐसे में ऑब्वियस है कि उनकी ऑपोजिशन पार्टी भी उनके खिलाफ उसी तरह आवाज उठा रही है जिस तरह इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ उठाई। और ये सबके बीच में कट किसका रहा है? पब्लिक का। दरअसल पाकिस्तान का ये फॉल्टी टैक्सेशन सिस्टम ही वो चीज है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो होने नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान का एज अ कंट्री एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा है लेकिन टैक्सेस ना आने के कारण सरकार उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती कि वो अपने खर्चे उठा सके। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार देश को चलाने के लिए हमेशा फॉरेन एड्स और इंटरनेशनल लोन्स पे ही डिपेंडेंट रहती है। लेकिन अगर पाकिस्तान अपने टैक्सेशन सिस्टम को सुधारे तो शायद फ्यूचर में चीजें उनके लिए बेहतर हो सकती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के FACTI पैनल पाकिस्तान के मिलियनर्स ने जो पैसे चुरा के फॉरेन के टैक्स हेवेंस या अपने इलीगल पैसों को गोडाउन में जमा किया है उसका टोटल वैल्यू पूरे 7 trillion यानी 5 crore crore रुपए है। दैट इज माइंड ब्लोइंग। पर अब मेरा यहाँ पर एक ही सवाल है दोस्तों कि यार जब इनकी इकोनॉमी के इतने लाले पड़े हुए हैं तो उसे सुधारने के बजाय पाकिस्तान हरदम इंडिया से कम्पीट करने के पीछे क्यों तुला रहता है? वेल, आपकी इस बात में क्या राय है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और पाकिस्तानी लोग, कि आपको इंडियन भाई बहनों से झगड़ने की जगह पे
अपने ही गवर्नमेंट पे थोड़ा सा सवाल करना चाहिए, थोड़ा सा। वेल, आपकी जो भी राय, आपका जो भी ओपिनियन है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आपको सिर्फ यहीं पर देखने मिलने वाला है, जो आपको हर दम क्यूरियस रखेगा और ग्रो करने में हेल्प करेगा। टेक केयर, बाय बाय।